उनको लग रहा है कि हमारे पास जो 33% का जो वोट शेयर है उसको लेकर के हम थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाएंगे, तो ये पोलराइजेशन होगा, और उनको ये मालूम नहीं है कि ये पोलराइजेशन उनको एडवर्सली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि फिर जो अपोजिट पोलराइजेशन होगा वो बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा देगा। अगर हम पॉलिटिकल बात को अलग रखें, इससे मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है और वो पार्टी है, वो पॉलिटिक्स खेल रही है, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स को एक पल के लिए हटा दें, देश और विथ ह्यूमन फेस, अगर मैं बात करूं विथ ह्यूमन फेस, देश की सिक्योरिटी का अगर की बात की जाए, तो मेरे ख्याल से इस तरह के कानून होने चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें जनता परेशान ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, वो होगा नहीं, क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन में एक मेजर फॉल्ट लाइन है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल हो जाए, इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो, तो इस तरह के कानून की आवश्यकता है एक देश को, किसी भी देश के लिए। आपको लगता है कि ये कानून जरूरी भी है? तो मैं ये कहूंगा कि कानून जरूरी है, मोदी जी के 10 साल में, ये 10वां साल में नहीं आना चाहिए था, ये बहुत पहले आना चाहिए था। इसका जो टाइमिंग है कि चुनाव के 2 महीना पहले आप अनाउंस कीजिएगा तो कोई भी बोलेगा ये चुनाव से रिलेटेड है, ये जो है इसका टाइमिंग बड़ा सस्पिशियस है, और उस कारण जो है आप इसको खुलेआम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भाई आप तो 10 साल से पावर में थे, इतना दिन से आपका लिस्ट बन रहा था, तो अभी आपने उसको घोषित तो पहले ही कर दिया, अब जाके आप इसको कानून बना रहे हैं, इसकी टाइमिंग मुझे इंटेंट ठीक नहीं है सरकार की, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो इसको पॉलिटिकल इशू बना करके लाभ लेना चाहती है, वो इस कानून के माध्यम से समाज में जो सिक्योरिटी का माहौल बनना चाहिए किसी देश विशेष के लिए, उसमें उनका उनकी कोई रुचि नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। तो भैया, जो पॉलिटिकल माइलेज अगर वो लेना चाहते हैं, तो जब उनको पता है कि वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, तो आप उनको माइलेज क्यों दे रहे हैं? ममता बनर्जी और ओबेसी कूद कूद करके वो पोलराइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, उनको क्यों जिताने में लगे हुए हैं? उसी लिए तो जयराम रमेश ने कहा कि भाई इसका और कोई उद्देश्य नहीं है पॉलिटिकल पोलराइजेशन के अलावा। अब दिक्कत है कि इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन से ओएसी जी को भी फायदा है, ममता को भी फायदा है, और बीजेपी को भी फायदा है, तो नेचुरली ये 3 पार्टियां जो है इस पर लड़ रही, बाकी लोग खड़े होकर नजारा देख रहे हैं। बट ये मतलब तो वल्नरेबल पोजीशन में तो कांग्रेस आ गई ना सर, क्योंकि कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस जानती है कि ये पॉलिटिकल इशू है। अब पॉलिटिकल इशू में जो पार्टी कूद कूद करके ज्यादा स्टेक लेना चाहती है, और उनको मालूम है पश्चिम बंगाल में सत्ता में है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर कांग्रेस ने भी कुछ भी झटक लिया हमारे हाथ से तो दिक्कत हो जाएगी, तो ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि कांग्रेस या वामपंथियों में 1% भी वोट शेयर बटे, वो चाहती है कि बीजेपी और हम दोनों लड़ते रहें, हम मुसलमानों और अकलियतों और फिर सोनार बांग्ला को लेकर के चलें, और अगर बीजेपी बाहर से आ रही है तो बीजेपी को तो कहती है कि बाहरी पार्टी है, लेकिन हम दोनों में फाइट हो जाए, हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये विन विन सिचुएशन भाजपा के लिए भी है और ममता बनर्जी के लिए भी है, जैसा आपने कहा ओबेसी के लिए भी है, लेकिन सबसे बड़ा बेचारा लूजर जो है वो कांग्रेस पार्टी है। उसीलिए ना आशुतोष जी, राहुल गांधी जब न्याय यात्रा निकाले और उसके पहले भी दूसरे यात्रा में भी उनका क्या स्लोगन था, तुम देश को तोड़ोगे हम देश को जोड़ेंगे, तो वो अपना भारत जोड़ो में देश को जोड़ने में लगे हुए हैं, मुसलमान हिंदू सबको जोड़ने में लगे हुए हैं, अब कितना हद तक जोड़ेंगे वो तो चुनाव में पता चलेगा। चल नहीं पा रहा है उनका कार्ड, पता नहीं, अब उनके पास राहुल के पास अपना बैगेज है, यही कोई कैरिस्मेटिक कोई नया नेता अगर आता, मैं अगर आपको एक करिश्मा की बात बताऊं, अगर मान लीजिए कि अभी देखिए दक्षिण में वो भले ही भारतीय जनता पार्टी से उस व्यक्ति का रिश्ता हो, लेकिन उसमें एक कैरिश्मेटिक एक पर्सनालिटी है जो क्राउड पुल कर रहा है, अन्नामलाई की मैं बात कर रहा हूं, वो क्राउड पुल कर रहा है। अगर ऐसा पर्सनालिटी कोई रहता, अभी राहुल गांधी जो क्राउड पुलर बने हुए हैं वो इसलिए क्योंकि राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं और नेहरू जी के खानदान से आते हैं, तो ये एक बड़ा कारण है राहुल गांधी के क्राउड पुलिंग पुल कर कैपेसिटी का। राहुल गांधी अपने तरीके से एक बहुत ही सधा हुआ
बहुत शानदार ओरेटर, बहुत कैरिश्मा दिखाने वाला नेता, बहुत बड़ा विजन का व्यक्ति, ऐसा वो अभी तक थ्रो नहीं कर पाए हैं। और 5 बार 6 बार वो एमपी रह चुके हैं, अब कितना टाइम उनको चाहिए राहुल गांधी को बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगली बार तो वो 60 के हो जाएंगे, अभी वो 55 के हो रहे हैं, तो मुश्किल लगता है। वैसे फिजिकली फिट हैं, वो 100 साल तक युवा रहेंगे, लेकिन एज में तो वो 60 के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा लूजर जो है वो कांग्रेस पार्टी है इस सीए के लाने के बाद। नॉट अकॉर्डिंग टू द सर्वेज, जितने सर्वे आए हैं आशुतोष जी, यदि वो आप देखें तो वो दिखा रहा है कि कांग्रेस का कंट्री में बाउंस है। बाउंस दिक्कत क्या है, कांग्रेस इतना नीचे है, करीब 50-55 के करीब है, तो सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि 70 से 75 तक कांग्रेस को सीट आ जाएगा। तो हो सकता है कि वो जो बाउंस है वो कुछ हद तक राहुल का, और जो भी कहिए, हो सकता है कि आपके क्रिटिसिज्म से हम अग्री करें, बट ये तो है कि भारत के इतिहास में बहुत कम बंदा कन्याकुमारी से कश्मीर चला पैदल, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से बॉम्बे जा रहा है, गाड़ी में भी थोड़ा, पैदल भी थोड़ा, बाकी भी मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम उस समय करते हुए, जबकि मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, कॉरपोरेट मीडिया उसको इग्नोर किया है। तो उसका जो है बाउंस, कुछ ना कुछ तो बाउंस है। और ये बात है, वही हाल है जो इसका आपने नाम लिया तमिलनाडु में, वो भी खूब चल रहे हैं तमिलनाडु में, उन्होंने भी राहुल गांधी के तरह यात्रा किया है। क्वेश्चन वही है, दोनों क्वेश्चन, तमिलनाडु में क्या वो बीजेपी को सीट जितवा पाएंगे, क्या राहुल गांधी 75 नहीं 140 2004 में जो उनकी मां लाई थी वो ला पाएंगे, ये क्वेश्चन सेंट्रल क्वेश्चन। कांग्रेस पर अलग से विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप अजीत झा जी सीए के बारे में विस्तार से समझाने के लिए, और मैं अपने दर्शकों से ये कहूंगा कि आप इन मुद्दों में मत फंसिए। अकलियत में, मुसलमान में, हिंदू में, सिख में, ईसाई में बटने की कोई जरूरत नहीं है, आप मस्ती से रहिए, आप इस देश के नागरिक हैं, मजबूती से रहिए, आपको बटने की जरूरत नहीं है, आप शांति से अपना सब चीज देखते रहिए, क्या चल रहा है देश में, जो कानून आ रहा है आएगा, आप अपना पालन करिए, आपको बटने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने रास्ते से चलते रहिए, कोई आपको डरा नहीं रहा है, कोई आपको धमका नहीं रहा है, आप शांति होकर के अपना जीवन व्यतीत करते रहिए। शुक्रिया, आज इंडिया डिबेट में इतना ही, देखते हैं मोदी सीए को लेकर के और क्या क्या गुल खिलाते हैं। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।